हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम गोभी के पकौड़े बनाने चल रहे हैं। ये गोभी लिए हैं, देखिए इस तरीके से एकदम नए तरीके से गोभी के पकौड़े बनाने चले रहे हैं। इस तरह इसका हम डंठल निकाल रहे हैं गोभी का, और इसको हम छोटी छोटी पीस में कट करेंगे। ये देखिए छोटी छोटी पीस इसकी कट हो गई है, एकदम मीडियम साइज की। अब इसको हम धुल लेते हैं अच्छी तरीके से गोभी। ये धुल के हम छन्नी वाली थाली में रख लिए हैं, देखिए धुल गई है गोभी। अब इधर हम पानी रखे हैं, गर्म हो रहा है, तो इसमें हम गोभी डाल दे रहे हैं। थोड़ा सा ये बॉयल हो जाए तो इसका अंदर से कच्चापन निकल जाएगा गोभी, तो इस पानी में हम गोभी डाल दे रहे हैं। गैस हम तेज कर दिए हैं, इसमें छोटा चम्मच से आधा चम्मच हम नमक डाल दे रहे हैं ताकि अंदर से अच्छी तरीके से गोभी पक जाए। ये गोभी बॉयल हो रही है, देखिए ये गोभी पक गई है, इसका कलर चेंज हो गया है, तो इसको हम प्लेट में छन्नी वाले प्लेट में निकाल ले रहे हैं। ये देखिए छन्नी वाली थाली में हम निकाल लिए हैं गोभी को। ये बेसन लिए हैं एक कटोरी, ये बाउल है तो बाउल में हम बेसन को पलट रहे हैं। एक कटोरी हमने बेसन लिया है, हरी धनिया इसमें ऐड कर रहे हैं, एक हरा मिर्च बारीक काट लिए हैं, आधा छोटा चम्मच है मिर्चा दरबरा कुटा हुआ लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच अजवाइन है, आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल रहे हैं, स्वाद अनुसार नमक इसमें ऐड कर रहे हैं। सभी चीज़ों को हम मिला ले रहे हैं इस तरीके से। अब इसमें पानी डाल के इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे, तो हमको ज़्यादा पतला नहीं करना है इसका पेस्ट। इस तरीके से देखिए इसका पेस्ट तैयार हो गया है, तो इसको हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं, सेट हो जाए। ये ढक के रख दिए हैं हम, ये 10 मिनट हो गया है तो सेट हो गया है। इसको चम्मच से और हल्का सा मिला ले रहे हैं, देखिए ये घोल तैयार है बनके। ये गोभी अब इसमें हम डाल दे रहे हैं एक एक करके, देखिए गली नहीं है, एकदम अच्छे तरीके से गोभी बॉयल हुई है। इस तरीके से इसको पूरा बेसन में अच्छे तरीके से लगा ले रहे हैं। इधर हम कढ़ाही रखे हैं, तेल डाल दिए हैं, गरम हो रहा है, तेल हमको मीडियम गरम रखना है। ये चम्मच के सहारे से हम इसमें एक एक पकौड़ी डालेंगे गोभी की, एक एक हम डाल रहे हैं उठा के। इसको डाल दिए हैं तो हल्के हाथ आँच में पक रहा है, तो चला दे रहे हैं धीरे धीरे, देखिए। ये पक गई है पकौड़ी, ब्राउन हो गई है, इसको हम प्लेट में निकाल रहे हैं, अब दूसरा डालने चल रहे हैं। इस तरीके से हम सारी पकौड़ी बना ले रहे हैं, देखिए बहुत ही क्रंची बनी है और स्वादिष्ट देखने में लग रही है। ये पकौड़ी बन गई है, देख लीजिए, ये गोभी की पकौड़ी बहुत ही स्वादिष्ट आती है। और मेरा तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार और धन्यवाद।